हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे झारखंड के शिल्पकला और मूर्तिकला के बारे में, जो कि इम्पोर्टेंट है। हो सकता है झारखंड के आने वाले एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाए। तो चलिए हम लोग झारखंड के शिल्पकला या मूर्तिकला के बारे में कुछ जानकारी को देखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं शिल्पकला के बारे में कि क्या होता है। तो शिल्पकला वह काम होता है जिसमें कारीगर मिट्टी, पत्थर, लकड़ी, धातु आदि से सुंदर और डिजाइनदार चीज़ें और जरूरी सामानों को बनाते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कि शिल्पकला क्या होता है। तो वह जो काम है जिसमें कारीगर जो होते हैं, जो मिस्त्री होते हैं इसके, वे लोग मिट्टी हो, पत्थर हो, या लकड़ी या धातु या अन्य और भी चीज़ से सुंदर सुंदर और डिजाइनदार चीज़ें और सामानों को बनाते हैं। और इसको ये लोग प्रदर्शनी के रूप में और साथ ही साथ अपने जीविका के लिए भी ये सब का निर्माण करते हैं, जरूरी सामानों को भी बनाते हैं और डिजाइनदार चीज़ों को भी बनाते हैं। तो ये होता है शिल्पकला। तो यहाँ पर जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, डोकरा या ढोकरा, मुखौटा शिल्प, काष्ठ शिल्प, प्रस्तर शिल्प, मृण शिल्प, ये सब जो है वह शिल्पकलाओं के प्रकार है जो कि यहाँ झारखंड में पाए जाते हैं, साथ ही साथ में भारत के अन्य भागों में भी पाए जाते हैं। आजकल देख रहे हैं कि समय के साथ शिल्पकला में कमी आ रही है, जिसे और विस्तृत करने की जरूरत है और संरक्षण की भी आवश्यकता है। तो यहाँ पर जो है आजकल इन सारी चीज़ों में कमी आ रही है, तो इसको हमें और बढ़ाने की जरूरत है और इसको संरक्षण करने की भी जरूरत है कि यह जो है कलाएँ लुप्त ना हो, तो इसलिए हमें इनको संरक्षण करने की भी आवश्यकता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि झारखंड के जो है शिल्पकला या मूर्तिकला के बारे में। देखिए यहाँ पर तो सबसे पहले बात करते हैं मृण शिल्प के बारे में। तो ज़रूरत की चीज़ों को बनाने के लिए मिट्टी का उपयोग करने की कला को मृण शिल्प कहा जाता है। मिट्टी का उपयोग करके बर्तन, खिलौने, मूर्तियाँ और अन्य जरूरी सामान बनाए जाते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि जो मृण शिल्प होता क्या है, तो इसमें जो है मिट्टी का उपयोग किया जाता है और इसी का उपयोग करने के बाद में यहाँ पर आप लोग बर्तन बना सकते हैं, खिलौना बना सकते हैं, मूर्तियाँ और अन्य जरूरी सामान बनाए जाते हैं। तो यह जो है कला जो है उसी को हम लोग कहते हैं मृण कला, जिसमें मिट्टी का उपयोग किया जाता है। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे, मृण शिल्प कला में झारखंड के कुम्हार जाति के लोग निपुण थे। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि कुम्हार जाति के जो लोग होते हैं वे लोग मृण शिल्प कला में यहाँ निपुण होते हैं। यह कला झारखंड के लगभग हर जिले में देखने को मिलता है। तो ये जो है झारखंड के लगभग हर जिले में देखने को मिल जाता है, जो कि मिट्टी के चीज़ें बनाते हैं। मिट्टी का घड़ा देख सकते हैं आप लोग, एक से एक चीज़ें आजकल बनाई जाती हैं। दिवाली के समय में तो आप लोग देख सकते हैं कि मिट्टी के चीज़ों की किस प्रकार से सजावट की जाती है। तो ये सब जो चीज़ें हैं वो सब सब होती हैं मृण शिल्प के बारे में, जो कि झारखंड में कुम्हार जाति के लोग इस कला में निपुण होते हैं। अब देखते हैं आगे में प्रस्तर शिल्प के बारे में। प्रस्तर शिल्प होता क्या है? तो पत्थर या चट्टानों से जरूरी चीज़ों को तैयार करने की कला को प्रस्तर शिल्प कहा जाता है। तो यहाँ पर जो है प्रस्तर शिल्प में पत्थर या चट्टानों को तराश करके जरूरी चीज़ों को बनाया जाता है, डिजाइनदार चीज़ों को बनाया जाता है और उसको हो सकता है जीविका के लिए या तो फिर सजावटी सामान के लिए ये प्रस्तर शिल्प के माध्यम से जरूरी चीज़ों को तैयार किया जाता है। इसमें पत्थर या चट्टानों से ओखली, सिलवट, मूर्तियाँ, खिलौने आदि सामान बनाए जाते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि जो ओखली होता है, जिसे कि आप लोग मसाला कूट सकते हैं, तो ओखली का भी निर्माण कर सकते हैं ये पत्थर चट्टानों को तराश करके। सिलवट जो कि सिल लोढ़ा भी हम लोग कहते हैं, तो जिसे हम लोग मसाला पीसते हैं, तो ये सब सारी चीज़ों को भी प्रस्तर शिल्प के माध्यम से बनाया जाता है। फिर साथ साथ मूर्तियाँ होती है, पत्थर की मूर्तियाँ, चट्टानों की मूर्तियाँ होती है, अच्छी अच्छी खिलौने और अन्य सामान भी बनाए जाते हैं। तो ये होता है प्रस्तर शिल्प, जिसमें पत्थर या चट्टानों का उपयोग किया जाता है। यहाँ पर यह शिल्पकला झारखंड के चांडिल, सरायकेला और पूर्वी सिंहभूम के घाटशिला में मुख्य रूप से प्रचलित है। तो ये जो चीज़ें हैं ये तो आप लोग जान ही लिए हैं, लेकिन यहाँ पर जो जगह देख लीजिए, तो झारखंड का जो है चांडिल, सरायकेला और पूर्वी सिंहभूम जिले का एक घाटशिला जगह, ये जो तीन जगह हैं ये प्रस्तर शिल्प के लिए मुख्य रूप से प्रचलित हैं। तो ये जो जगह हैं उनको आपको ध्यान रखना है, चांडिल, सरायकेला और पूर्वी सिंहभूम का घाटशिला, ये जो है मुख्य रूप से प्रचलित है प्रस्तर शिल्प के लिए। अब हम लोग और एक चीज़ों को देख लेते हैं। तो यहाँ पर काष्ठ शिल्प के बारे में क्या है? तो काष्ठ शिल्प क्या है? झारखंड में काष्ठ शिल्प भी एक कला है जो विकसित अवस्था में है। इसमें लकड़ियों से डिजाइनदार खिलौने, इमारत, अन्य जरूरी वस्तुएं बनाई जाती हैं, जैसे कि सूप, दौरा, टोकरी, चटाई। तो ये जो चटाई है उसको भी यहाँ लकड़ी के माध्यम से भी बनाया जाता है। तो देखिए काष्ठ शिल्प में होता क्या है, और ये जो शिल्प है वह विकसित अवस्था में है, यानी कि काष्ठ शिल्प का जो है यह विकसित अवस्था में झारखंड में, और इससे डिजाइनदार खिलौने बनाए जाते हैं, लकड़ी की इमारत भी बनाए जाते हैं और अन्य जरूरी वस्तुएं बनाई जाती हैं, जैसे कि सूप आप लोग देख ही रहे हैं, टोकरी भी देखे हैं, दौरा भी देखे हैं, साथ साथ में चटाई भी देखे हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं वह काष्ठ शिल्प के माध्यम से ही बनाए जाते हैं, यानी कि यह लकड़ी से बनाया जाता है, काष्ठ मतलब लकड़ी, तो ये लकड़ी से ही बनाया जाता है।
यहाँ पे आप देखिए, झारखंड के महली आदिवासी इस शिल्पकला में निपुण होते हैं। तो महली आदिवासी जो हैं वे लोग इस शिल्पकला में निपुण होते हैं। लकड़ी के काम वे लोग बहुत ही अच्छे तरीके से करते हैं। सूप हुआ, दौरा हुआ, टोकरी, इसे बनाने में वे लोग महारत हासिल है या वे लोग निपुण होते हैं। झारखंड में बांस की पत्ती का उपयोग करके छाता बनाया जाता है। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि बांस का जो है उपयोग करके छाता भी बनाया जाता है झारखंड में। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। झारखंड के पूर्वी सिंहभूम के चाकुलिया इमारती लकड़ी और बांस के कार्य के लिए प्रसिद्ध है। तो ये आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि पूर्वी सिंहभूम का जो है चाकुलिया जगह वह इमारती लकड़ी और बांस के कार्य के लिए प्रसिद्ध है, जो कि कास्ट शिल्प के अंतर्गत में ही आता है। तो ये नाम आपको ध्यान रखना है कि पूर्वी सिंहभूम का चाकुलिया, यहाँ पे इमारती लकड़ी भी पाया जाता है और बांस भी पाया जाता है, और इससे ये लोग बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें बनाते हैं, जरूरी चीज़ें बनाते हैं जो कि अपने जीविका के लिए और यहाँ पे प्रदर्शनी करने के लिए या तो फिर अपना कला का प्रदर्शन करने के लिए करते हैं। तो ये नाम को आप लोगों को ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से हमने देख लिया यहाँ पे कास्ट शिल्प के बारे में, प्रस्तर शिल्प के बारे में और मृण शिल्प के बारे में। हम लोग आगे की वीडियो में देखेंगे ढोकरा या डोकरा कला के बारे में, साथ साथ मुखोटा शिल्प के बारे में जो कि इम्पोर्टेंट है, वहाँ से क्वेश्चन पूछने की संभावना है, वहाँ पर अच्छी अच्छी चीज़ें आप लोगों को बताई जाएंगी। तो यहाँ पर आप लोग शिल्पकला या मूर्तिकला के बारे में आगे वाले वीडियो में देखेंगे।